बहन जी को नियम बनाने का संकल्प लिया है आज के इस जन्मदिवस के अवसर पर। रणनीति क्या होगी, जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का जो महत्वपूर्ण है, उसमें क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन? अब ये डिसीजन तो आदरणीय बहन जी जो हमारी नेता हैं, ये उनका डिसीजन है। जैसा आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने इस बात को कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेगी, तो वो बहन जी का डिसीजन है। और हम लोगों ने जो तय किया है आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार, जो हम लोग काम कर रहे हैं कि इस देश के अंदर सभी जाति धर्म मजहब के लोगों के बीच में हम जैसे 2007 में मजबूत भाईचारा बना करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किए थे, उसी तर्ज पर हम लोग इस बार पूरे देश के अंदर उसी तरह से सभी जाति धर्म मजहब के बीच में मजबूत भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों का कैडर का कार्यक्रम भी निरंतर चल रहा है और हम लोग सभी समाज में मजबूत भाईचारा बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जो बाबा साहब को मानते हैं और बीएसपी में आस्था नहीं रखते हैं जी, वो अंबेडकराइज नहीं है, आपने मानना है बीएसपी का जी, आप ऐसे लोगों को कैसे जोड़ेंगे, ये क्या? नहीं, वो तो विचारधारा उनकी बाबा साहब अम्बेडकर में है, और बाबा साहब अम्बेडकर में उनकी आस्था है तो उन्हें ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं, तो हर बार चारों बार जो भी संत महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश में दबे कुचले बेसहारा लोगों के लिए उन्होंने त्याग तपस्या कुर्बानी किया है, काम किया है, जो उन्होंने सपना संजोया था, उसी पैटर्न पर संवैधानिक तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम करने का काम किया है। तो उन्हें इस बात को तय करना पड़ेगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस देश में कोई ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम कर रही है, तो शायद इसका जवाब उनको बहुत बखूबी मिल जाएगा। और अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी माननी पड़ेगी, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी, आप सबको भी, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से भव्य 22 तारीख को उद्घाटन? नहीं, हम क्या कहेंगे, वो तो हमारी नेता आज भी बोली है, आज भी आदरणीय बहन जी ने कहा है कि भाई 22 तारीख को जो वहाँ पे कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का निमंत्रण आदरणीय बहन जी को भी मिला है। आदरणीय बहन जी ने मीडिया में कहा है, बोला है इस बात को। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये भी कहा है कि भाई हमने अभी डिसीजन नहीं लिया है क्योंकि अभी काम की व्यस्तता है, तो हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे वो बाद में बहन जी बता देंगे। तो उसमें भाई आदरणीय बहन जी ने खुद का स्वागत किया है, तो उसमें कोई लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव गली में जा जा करके सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और पूरे विपक्ष के अंदर अगर ये देखे खोजे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी उन पार्टियों के लीडर्स हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा किसी का कद नहीं है, ना कोई दूसरा चेहरा है। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाना है तो सभी लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ रहना।